ऊपर करके करते इलाज बढ़ सकता है। कितने सालों से आपको तकलीफ घुटनों में? घुटनों में 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से तकलीफ है। अच्छा, तो अभी आप पहली बार कर ले रहे ना हिजामा? हिजामा पहली बार। हाँ। बाद में ऐसा कुछ लगाना सेकना बांधना ये करी मैं ऐसा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब अपन हिजामा करेंगे। हिजामा करने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बोलो आप। और ये देखिए, ये घुटनों में से कैसा आ रहा है? ये दोबारा हमने एक बार निकाल के और एक बार लगाए हैं। देखिए ये सब डर्टी ब्लड है। ये देखिए गाइस, ये हमने पूरा हिजामा कंप्लीट हो गया है इनका। ये देखिए, हमने पूरा प्रोसीजर हो गया हिजामा का। अब यहाँ पे देखिए, ना कोई ब्लड के निशान नज़र आएंगे, ना कोई ऐसा ज़ख्म दिखाई दे रहा है आपको, और एकदम साफ एकदम सफाई से हमने हिजामा किया है। अभी आपको कैसा लग रहा? पहले पाँव हिलाने को तकलीफ होती थी, अब नहीं है तकलीफ। मैं आसानी से हिला सकती पाँव मेरा। हाँ, हिला के बताइए। ऊपर ये पहले आपको वजन में नहीं आता था ऐसा करने को, तकलीफ होती थी, अब कुछ भी नहीं तकलीफ। अभी आवाज भी नहीं आ रही, कट कट ऐसा। हाँ, अभी आवाज भी नहीं आ रही ना? नहीं, कट कट की आवाज नहीं है, एकदम स्मूथ जा रहा है पैर, एकदम स्मूथ है, हल्का है। हाँ, और अब ये देखिए, हमने फेस पर, आपको सिर का दर्द कम है? सिर कम है। और ये देखिए, हमने इनके फेस पे भी किया है एट ए टाइम, दो जगह हमने कप्स लगाए थे, एक घुटने पर और फेस पर। ये देखिए, इनकी छाइयों से इन्हों परेशान है, इनके फेस की छाइयाँ झुर्रियाँ ये सब इनकी चले जाएंगी। जैसे अभी हमने हिजामा करने के बाद के ये पोस्ट कपिंग थेरेपी के मार्क्स हैं, ये सब चले जाएंगे अपने आप, ये सब दब जाएगा। और ये मार्किंग भी 4-5 डेज में पूरी चले जाएगी। और जैसे जैसे ये इनकी प्रीम हिजामा की मार्किंग जाएगी, वैसे वैसे इनके फेस पे नेचुरल ग्लो आता जाएगा।